चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करें टाटा टेली सर्विस TTML। अभी आई गुड न्यूज, अब गलती मत कर देना, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से एंड तक देख लेना क्योंकि भैया इसी वीडियो में मिलेगा सब कुछ। देखो कल है 104 रुपए का हाई गया था और 102 रुपए का लो बनाया, 103 रुपए पर क्लोजिंग दी है। अब ये शेयर 290 रुपए से लगातार धीरे धीरे गिर रहा था, 52 वीक हाई बना के लगातार गिर रहा है। अब देखो दोस्तों, पहले तो मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया है, हर वीडियो में बोला है, प्लस इसका देखो ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट था पहले। देखो यहाँ पर डायरेक्ट गया था 190, फिर लगातार गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, अब यही है। अब देखो दोस्तों, ये सपोर्ट है, आपके पास में ये स्टॉक है ना, तो आपको जरूर से जरूर ये वीडियो देखना है। लेकिन उससे चार्ट की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका फंडामेंटल चेक करा देता हूँ। देखो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पे रेशियो कुछ नहीं है, आरओसी कुछ नहीं है, आरओ भी कुछ नहीं है, डेप्ट है 19,756 करोड़ का, यानी कि अपने मार्केट कैप जितना इसके ऊपर कर्जा है, डेप्ट है, और रिजर्व 1 रुपये कैश नहीं है बल्कि मार्केट कैप से भी ज़्यादा, यानी 26,000 करोड़ का रिजर्व माइनस में पड़ा है। प्लीज नहीं है, प्रमोटर के पास में 74% की हिस्सेदारी है, डीए वाले नाम मात्र के, एफआई वाले भी नाम मात्र की है, वॉल्यूम भी हो रहा है, अर्निंग पर शेयर माइनस में 6.10 रुपये है, करंट एसेट मात्र 278 करोड़ का, बट लाइब्रिटीज है 424 करोड़ की, यानी कि लाइब्रिटी ज़्यादा है, एसेट कम है, उसकी बुक वैल्यू माइनस में 122 रुपये, मतलब आज तक इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के नहीं दिया, फेस वैल्यू 10 रुपये, मतलब ये आज तक स्प्लिट नहीं, क्वार्टर सेल्स माइनस में, सेल्स ग्रोथ 2-3%, यानी कंपनी का फंडामेंटल चेक रहना, एक दो वीक कंपनी है, ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि टाटा की कंपनी है, एक मिनट में डेप्थ दे देते हैं और डेप्थ दे दिया, इनमें रात दिन का फर्क होता है दोस्तों। फंडामेंटल चेक कर लिया आपने, अब चलते हैं एडवांस चार्ट पर। देखो दोस्तों, मैंने जब ये 290 पर था ना, 250 पर था तब भी बोला था, 260 पर था तब भी बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अब आप ये सोच रहे हो कि TTML पेनी स्टॉक है, मल्टीपिकर बन जाएगा, ना अभी ये पेनी स्टॉक नहीं रहा, ना मल्टीपिकर रहा, अभी ये कंपनी बड़ी बन गई है, ध्यान रखना, बड़ी कंपनी बन गई है, बड़ी कंपनी ऐसे घुमाती है, ठीक है, और यहाँ से पैसे भी डबल नहीं कर सकती। डबल करने का मतलब है मार्केट कैप का डबल होना, यानी 40,000 या 50,000 करोड़ होना, जो इस टाइम पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास में ऊपर के लेवल में लॉस हो रहा है तो भाई आपको वेट ही करना है, एवरेज करके निकल सकते हो, और अगर आप ऊपर के लेवल में हो या नीचे के लेवल में हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लाखों यूनिट ले रखा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। प्रेस एंट्री आपको देखो अब करनी है नहीं, क्योंकि ये पंप डंप वाला शेयर है, मल्टीपिकर क्या बनेगी, कंपनी बड़ी बन गई है, यहाँ से चिल्लर आपको मिलने वाला है, आज तक कंपनी रिटर्न निकाल के नहीं दिया, पहले से है तो आप लॉन्ग टाइम होल्ड करके चल सकते हो थोड़ा यूनिट लेके, लेकिन लाखों रुपए लगा रहे हो वो गलत है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा बन गई है, तो आपके पैसे अभी ये ऐसे ही निकाल के देगी जैसे बड़ी कंपनी बनती है। पहले जैसे आप सोच रहे हो 290 चला जाएगा, भैया यहाँ पर बाय कर लो ना, 290 जाने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि अब बड़ी कंपनी हो गई है। फिर भी सपोर्ट देखे 102 रुपये, 100 रुपये का है, 99 रुपये का, देखो इस शेयर ने ना बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था, अब घुमा रहा है मार्केट में, जितना यूनिट आ रहा है लोग घर पे भी लेके जा रहे हैं। देखो एक भी ऐसा इंसान है जो बोल रहा है सेल को, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि इसको बाई करके अपन को चलना है, प्रमोटर स्टेबल है, बने हुए हैं, बट मैं बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर है ना आपको चिल्लर मिलने वाली है और कुछ नहीं है, क्योंकि देखो कंपनी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है, आज तक रिटर्न निकाल के नहीं दिया भाई इस कंपनी ने, तो क्या देगी, और अभी कंपनी बहुत बड़ी बन गई है, तो आपके पैसे डबल करना भी इसके लिए पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे आप सोच रहे हो भैया एक दो महीने में 100 रुपये का शेयर 300 चला जाएगा, ना पहले तो क्या था, सुपर एप का था, कि भाई सुपर एप आएगी तो इसकी लोट लगेगी, सुपर एप आके चली गई है, क्या लोट लगेगी, कुछ लगी उतनी खास नहीं लगी, लोग सोच रहे सुपर एप के तहत ये 500 चला जाएगा, 1,000 चला जाएगा, ना अब ये आप प्रेस एंट्री कर रहे हो तो गलती कर रहे हो मेरे ख्याल से। आपके पास में पहले से स्टॉक है, कम यूनिट है, लॉन्ग टाइम के लिए बने रह सकते हो, और अगर आप लॉस में हो तो आप एवरेज कर लो, एक बार ऊपर आएगा तो निकलने की कोशिश करो, पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना आपको, थोड़ा बहुत पैसा लगा के लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हो। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों, थैंक यू।